बम बम भोले बम बम भोले बम बम भोले कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा बसंतम हृदय भवम भवानी सहितम नमा नम शिवाय ओम नम शिवाय ओम नम शिवाय बम बम भोले बम बम भोले बम बम भोले मेरे भाई और मेरे बहनों आज बट पूर्णिमाशी है कहते हैं जो बट वृक्ष है अगर आपने उसके दर्शन कर लिए प्रातः सुबह सुबह अगर किसी का पति बीमार चल रहा है यह घर में कोई बीमारी है और उसके तुमने दर्शन कर लिए और उसके पांच पत्ते लाकर पांच पत्ते लाके पांच पत्ते का मतलब एक टहनी जिसमें पांच पत्ते लगे हुए हैं और जो बीमार है जो बिस्तर पर लेटा हुआ है सर से लेकर पैर तक 21 बार उसको उतार दो 21 बार उतार दो 21 बार उतारने के बाद उस डंडी को कहीं घर की ऐसी जगह रख दो जिसपे किसी का हाथ ना लगे या पैर ना टच हो आप देखेंगे कि उस व्यक्ति को अगर दवा असर नहीं कर रही है कई बार ऐसा होता है कि दवाई डॉक्टर दे रहा हूं डॉक्टर कह रहा है मैं दवाई दे रहा हूं लेकिन पता नहीं दवाई इसको असर क्यों नहीं कर रही क्योंकि मुंह तक हलक तक तो वो दवाई है और हलक से उतरते ही वो मट्टी हो जाती है मतलब कहने का यह है कि उसको आप देखेंगे चमत्कारिक रूप से दवाई असर करने लगी और यह कार्य जो आपने करना है यह कार्य आपने शुक्रवार को करना है या मंगलवार को करना है तो जैसे मैंने आपको बात बताई आज बट पूर्णिमा भी है जो आठ बजकर तेरह मिनट से पूर्णिमाशी लग रही है जो भगवान सत्यनारायण स्वामी जी का व्रत रखते हैं वो आज के दिन कर सकते हैं क्योंकि कल दस बजकर इक्कीस मिनट तक पूर्णमाशी है मैं आपको बताना चाहता हूं प्राथा ध्यान से समझ लीजिएगा तो अब आपने देखना क्या है कि जो मैंने आपको बट पूर्णिमाशी जी के बारे में बताया एक कार्य आप और कर सकते हैं जो मैंने पांच डंडी के बारे में आपको बताया जिसमें पांच पत्ते हैं ये उतारा कर सकते हैं कोई बीमार है आगे भी एक दो चीज मैं आपको और बताऊंगा लेकिन पहले मेरे साथ आपको बोलना पड़ेगा बम बम बोले 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 बम बम बोले, बोले, बोले बात करता हूं मेष राशि वालों के मेष वालों नौकरी और जीवन में नए अवसर मिलेंगे और बाबा जी कहते हैं विदेश से शुभ समाचार मिलेगा बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया और आर्थिक लाभ भी होगा बहुत बढ़िया बाबा जी आज का दिव्य मंत्र देते हैं तुम्हारे लिए ओम सर्वंगा नमः, ओम सर्वंगा नमः। तीन मिनट इस मंत्र को जप लेना पूरे बेटे पूरे नंबर हो जाएंगे तो मेरे साथ बोलो बम बम भोले बम बम भोले अब बात करता हूं वृक्ष राशि वालों के वृक्ष वालों परिवार में विवाद का योग है वाहन दुर्घटना हो सकती है और बाबा जी कहते हैं तुम्हारे लिए आज जब घर से निकलोगे ध्यान से समझ लो जब घर से निकलोगे तो यहां पर हरी सौंफ खाकर निकलना हरी सौंफ खाकर निकलोगे तो जीवन बहुत बढ़िया हो जाएगा लेकिन बाबा जी क्या कहते हैं ओम सर्वंगाए नमः यहां पर पांच मिनट इस मंत्र को जपना पड़ेगा तो मेरे साथ बोलो बम बम भोले बम बम भोले बात करता हूं मिथुन राशि वालों के मिथुन वालों रुके हुए काम पूरे होंगे दौड़ भाग बड़ी रहेगी और जीवन साथी का सहयोग मिलेगा तो मिलेगा बाबा जी भी तुम्हारे लिए कहते हैं अगर तूने चौंतीस बार ओम सर्वंगाइन इस मंत्र को जप लिया तो तेरे पूरे बेटे पूरे नंबर कर दूंगा तो मेरे साथ बोलो बम बम भोले बम बम भोले तो जैसे मैंने आपको बताया आप एक और भी बढ़िया उपाय कर सकते हैं जैसे बट पूर्णिमाशी का बारे में मैंने आपको बताया तो उसका तरीका यह है कि परिवार की बहन बेटी माता परम पिता परमात्मा की कृपा से जो सुहागन है आपने करना क्या है कच्चा सूत लेना है कच्चा सूत अगर मिल जाए तो सोने पे सुहागा अगर कच्चा सूत ना मिले तो कलावा ले लीजिएगा और आपने उसको नमन करके क्योंकि बट वृक्ष में शिव बाबा का निवास होता है बाबा जी से प्रार्थना कर रही है हे ईश्वर हम बट वृक्ष को मैं आपका रूप देख रहे हैं हम इनको पूज रहे हैं हमारे घर में कोई बीमारी ना रहे तो आपने 21 बार 21 बार आपने चाहें तो कलावा ले लें और चाहे सूत सूत ले लें कच्चा सूत 21 बार करके यहाँ पर आपने एक चौमुखी दीवा जलाना है चौमुखी आटे का उसके अंदर आप तिल का तेल भरेंगे तिल का तेल अगर तिल का तेल ना हो तो शुद्ध देसी घी का दीवा प्रज्वलित करेंगे और कुछ थोड़ा सा मिठाई का भोग लगा के नमन करके आप आ जाएंगे आज के दिन जो मैं आपको बता रहा हूँ और जो मैंने आपको बात बताया थोड़ा सा उसके अंदर छोटा सा फल गोला टाइप का सा लगता है घर के जितने प्राणी हैं दो दो गूलर उसके ऊपर को उतार के जल में डाल देना अरे करके तो देखो चमत्कारिक रूप से सब बढ़िया हो जाएगा लेकिन पहले बोलना पड़ेगा बम बम बम-बम बोले बात करता हूं कर्क राशि वालों के कर्क वालों मुकदमे में विजय होगी पारिवारिक सहयोग मिलेगा और करियर में बदलाव का योग है बाबा जी तुम्हारे लिए क्या कहते हैं ओम सर्वंगाए नमा इस मंत्र को तूने इक्यावन बार जपना है तेरे सारे वारे न्यारे कर दूंगा तो मेरे साथ बोलो बम बम भोले बम बम भोले बात करता हूं सिंह राशि वालों के सिंह वालों संपत्ति का लाभ होगा और मुकदमे में विजय मिलेगी और जल्दबाजी में फैसला ना करें तो ना करें बाबा जी भी वही मंत्र तुम्हारे लिए देते हैं उत्तर दिशा की तरफ को मुख करके पचपन बार ओम सर्वंगा नमा नमः इस मंत्र को जप लेना बाबा जी कहते हैं पूरे बेटे पूरे नंबर तेरे में कर दूंगा तो मेरे साथ बोलो बम बम बोले बम बम भोले बात करता हूं मैं कन्या राशि वालों की कन्या वालों रिश्तों का ध्यान रखें और कर्ज के मामले में सावधानी रखें और यहां बाबा जी कहते हैं हरे फल हरे फल का आज आपने दान करना है जब करना है तो करना है लेकिन बाबा जी फिर वो तुम्हारे लिए मंत्र बोलते हैं ओम सर्वंगा एनमा ओम सर्वंगा एनमा पैंसठ बार मंत्र को जपना है बढ़िया हो जाएगा तो मेरे साथ बोलो बम बम भोले बम बम भोले बम बम भोले एक उपाय आपको और बहुत बढ़िया बताता हूं जैसे मैंने आपको बताया कि सत्यनारायण स्वामी का आज आप व्रत रख सकते हैं पूर्णमासी कल भी है मैं आपको बताना चाहता हूं लेकिन आज पूरे दिन पूर्णमासी लग रही है तो आज शाम का जब पूर्णमासी का तुम वत करोगे ध्यान से समझ लो तो चंद्रदेव को जल जब तुम जल समर्पित करोगे जल समर्पित करोगे तो इसका फायदा तुम्हें क्या होगा कि जिस प्रकार से चंद्रमा सबसे ज्यादा प्यार रोहिणी को करता है चंद्रमा की 27 पत्नियां हैं लेकिन रोहिणी को वो बहुत प्यार करता है तो आज के दिन अगर आप जो मैंने बट वृक्ष की पूजा आपको बताई उसके साथ साथ जब तुम भगवान सत्यनारायण जी का व्रत रखते हो और उसके बाद जब चंद्रमा को तुम जल देते हो ध्यान से समझ लो और पुष्प समर्पित करते हो कुछ मीठा समर्पित करते हो तो परिवार के अंदर तुम्हारी बहुत पूछ होने लगेगी ये बात मैं अपनी बहन बेटियों के लिए कहता हूँ समझो मेरी बात को तो मैं जो तुम्हें उपाय बताता हूं छोटे छोटे बाबा जी जो भरते हैं वही मैं आपको बताता हूं आपको कहीं मिलेंगे नहीं कभी आप नेट पर सर्च करो ये पहले बता देता हूं बाबा जी जो बताएंगे वो अलग ही बताएंगे लेकिन पहले मेरे साथ बोलना पड़ेगा बम बम भोले बम बम भोले बम बम बोले बम बम बोले, -बोले, -बोले, बोले तुला राशि वालों परिवार की समस्या दूर होगी परिवार की समस्या दूर होगी माता पिता की सेहत बेहतर होगी और थोड़ी दौड़ भाग रहेगी बाबा जी क्या कहते हैं तुम्हारे लिए 11 ग्यारह करके तीन बार ओम सर्वंगा इनमा इस मंत्र को जप लेगा तो तेरा जीवन मजेदार कर दूंगा तो मेरे साथ बोलो बम बम बोले बम बम बोले बात करता हूं वृश्चिक राशि वालों वृश्चिक वालों नया वाहन खरीद सकते हो रुके हुए काम पूरे होंगे और बाबा जी कहते हैं ऑफिस के काम में लापरवाही नहीं चलेगी ध्यान से ओम सर्वंगा इनमा यहां पर तुमने पंद्रह पंद्रह करके चार बार इस मंत्र को जपना है तो मेरे साथ बोलो बम बम बोले बम बम बोले बात करता हूं मैं धनु राशि वालों की धनु वालों जीवन में प्रेम की शुरुआत होगी नौकरी में प्रमोशन का योग है और धन का लाभ होगा बाबा जी कहते हैं इक्यावन इक्यावन करके दो बार ओम सर्वंगा इनमा इस मंत्र को जप लेगा तो तेरे पूरे बटे पूरे नंबर कर दूंगा तो मेरे साथ बोलो बम बम बोले बम बम बोले एक समय में आपको और बताता हूं आप लिख लो शाम छह शाम बजकर चौवन मिनट के बीच में आपने करना क्या है परिवार में अगर कोई बीमार है तो एक मुट्ठी में काले तिल लेकर उसके ऊपर को ग्यारह बार उतार के घर के बाहर नाली में डाल देना सड़क पे मत डालना नहीं तो किसी का पैर पड़ जाएगा तो वो पनौती वहां चढ़ जाएगी किसी का बुरा नहीं करना हमारे को लेकिन पहले मेरे साथ बोलो बम बम बोले बम बम बोले बात करता हूं मकर राशि वालों की मकर वालों काम का दबाव रहेगा सहयोगियों से विवाद हो सकता है भाई ये गड़बड़ है और जब आज घर से निकलोगे तो हल्की सुगंध का प्रयोग करना है बाबा जी भी तुम्हारे लिए कहते हैं यहां पर तूने छ मिनट ओम सर्वंगा इनमा इस मंत्र को जप लेगा बेटा तो तेरे पूरे बेटे पूरे नंबर में कर दूंगा तो मेरे साथ बोलो बम बम भोले बम बम भोले बात करता हूं कुंभ राशि वालों के कुंभ वालों धन का लाभ होगा धन के लाभ के साथ साथ बाबा जी क्या कहते हैं संपत्ति संबंधी मामले भी सुलझ जाएंगे ये भी अच्छा हो गया और तीसरी बात कहते हैं बाबा जी ध्यान से काम का बोझ हल्का रहेगा टेंशन फ्री रहोगे अब जब टेंशन फ्री हो तो बाबा जी के मंदिर में जाकर एक गेंदे की माला समर्पित करिए आना एक दीवा प्रज्वलित कर देना और तकरीबन छह मिनट ओम सर्वंगाय नमः इस मंत्र को जप लेना तो मेरे साथ बोलो बम बम बोले बम बम बोले अब बात करता हूं मैं मीन राशि वालों के मीन वालों सेहत ठीक रहेगी और संतान पक्ष की चिंता दूर हो जाएगी और मान सम्मान बढ़ेगा बाबा जी भी तुम्हारे लिए कहते हैं ओम सर्वंगाय नमः यहां पर तुमने बारह बारह करके छह बार बारह चिक बार ओम सर्वंगाय नमः इस मंत्र को जप लोगे तो जीवन मजेदार कर दूंगा तो मेरे साथ बोलो बम बम भोले 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 तो जैसे आज आपको बताया बट पूर्णिमा श्री जी के बारे में देखो जो बात बताऊंगा कुछ अलग बताऊंगा आज आप एक कार्य और कर सकते हैं ध्यान से समझ लीजिएगा आज आप बिल पत्र भी ले सकते हैं बिल्व पत्र बिल पत्र लेकर मैं आपको बताना चाहता हूं बिल्व पत्र क्योंकि उनकी उत्पत्ति जो हुई है माता लक्ष्मी माता जी के स्थन से हुई है लक्ष्मिया स्थन उत्पन्नम महादेव से एक बिलपत्रम शिवार्पणम आप यहाँ पर दस बिलपत्र ले सकते हैं पांच पर चंदन लगा दें पीले वाला चंदन वो तो चढ़ाएं आप भगवान शिव जी को और पांच चढ़ाएं विष्णु भगवान को आहा हा क्या कहना करना अवश्य जब आप करोगे ना तो आपको आनंद आएगा और बाबा जी आप पर मेहरबान हो जाएंगे तो मेरे साथ बोलो बम बम भोले बम बम भोले बम बम भोले बम बम भोले